किस रंग बदलती दुनिया में, क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। देख भाई देख, भाई देख, भाई देख। कदम कदम पर जाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख, हा देख भाई देख, जमाना है रंगीन। देख भाई देख, भाई देख, भाई देख। पता है साहिल, ये गाजर का हलवा मैंने बनाया है। पता है। और खाएगा? लेके और पूछ पूछ। गरीबा, और ले आना। चाची, तुम्हें पता है तुम इतनी अच्छी स्वीट्स कैसे बनाती हो? नहीं तो? मुझे पता है। कैसे कैसे? तुम खुद ही कितनी स्वीट हो। साहिल, मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे साहिल, तू मद्रास से आ गया? ओ, नमस्ते आंटी जी। जीता रहे, जीता रहे। अरे तुम तो कल आने वाले थे। ठीक है, ठीक है। बात ये है डैडी जी कि मद्रास में बहुत खूबसूरत लड़कियां होती होंगी, इसलिए वही चिपक गया होगा। अच्छा, कोई इडली बिडली पसंद आ गई वहाँ? सुनीता, तुमने जो गाजर का हलवा बनवाया था साहिल के लिए, वो तो मंगवाओ। मम्मी जी, खा चुका, खा चुका। खा चुका? तो फिर हम ही थोड़ा कष्ट कर ले। गरिमा, ले आ भाई। अरे साहिल, तुम आ गए। साहिल नहीं, चाचू। ओके चाचू। अरे चाची, तुमने जो चाचू के लिए हलवा बनाया वो तो खिलाओ। खा चुका, खा चुका। खा चुका, खा चुका। तो फिर हमारे लिए मंगवा दो। गरीबा। हाँ गरीबा, जल्दी ला, मुझे भी तो टेस्ट करना है। हाय कीर्ति। हाय चाचू। अरे सोनू रे, इतने दिनों से उसके पीछे हाथ धोके पड़ा रहा, आज जाके हाथ लगी है, मिलके। अरे उसके मिलने की खुशी में आप लोगों ने पहले से मेरे लिए मिठाई मांग के रखी है। आप लोग कैसे पता चल गया? मैं तो आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता। अरे वाह, गाजर का हलवा इतना सा। नहीं, कब आ? चलिए चलिए। हां तो मम्मी जी, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गई, मिल गई। आज मेरी सनम, आज मेरे जमीन बन रही है कदम। ऐसा कौन सा गढ़ा खजाना हाथ आ गया है जो किस तरह नाच रहा है? आ गया नहीं, आ गई, 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 मिल गई, मिल गई, मिल गई। कौन मिल गई? वही जो बरसों से मेरे ख्वाब में थी, वही मिल गई है। मगर कौन? वही जिसके पीछे मैं इतने दिनों से हाथ धो के पड़ा हूँ। आई एम इन लव विद हर। मेरे इशारों पे नाचती है, जिधर ले आता हूँ चली जाती है, जिधर मोड़ देता हूँ मुड़ जाती है, जिधर रोक देता हूँ रुक जाती है। कितनी सेक्सी है, क्या ढाल है, क्या चाल है, क्या बॉडी है, क्या फिगर है, क्या कलर है। पहले उसका नाम तो बताओ, फिर तारीफ कर लेना। नहीं साहिल, ये पहले एडजेक्टिव्स बोलेंगे, उसके बाद नाउन कहेंगे। उल्टी ग्रामर पढ़ी है ना इन्होंने। चाचू, हमें नहीं दिखाएंगे उसे? नहीं नहीं, हमें तो उसे सुनाएंगे। उसे बताओ ना कौन है भाई। बताओ 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 बताओ। वो है मारुति जेंटा टर्बो। मम्मी जी, मैं जानती थी इतने खुलेआम में ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, अंदर ही अंदर तो तुम खोल रही थी। मम्मी जी, अब औरत हूँ तो नेचुरल रिएक्शन तो आएगा ही ना। चल संजू, एक राउंड मार के आते हैं। यस, कम ऑन। तुम दोनों लफंडर, तुमसे हाथ लगाना ही नहीं, देखने से मुझे आ जाती है, हाथ लगाने से तो मैली हो जाएगी। तो क्या हुआ छोटे साहब? मैं उसे दो दो बार डबल से साफ कर दूंगी। तू गरीबा, तू 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 तो मत ही करियो भाई। देखना है, देखो देखो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। योर टर्न, योर टर्न। My turn. No, my turn. चाची, संजू आज कुछ टेंस लग रहा है ना? मंडे ना, हर सोमवार को 5 से 5:30 के बीच ये लड़का टेंस ही रहता है। ओ हाँ, आज शिल्पा आ रही होगी ना, तब तो ये टेंस होगा ही।
अरे मेकअप वेकअप करके तैयार हो जा, शिल्पा आएगी तो क्या कहेगी? रहने दो चाची, रहने दो, ये जैसा है वैसा ही ठीक है। और कुछ करने की कोशिश करेगा तो शिल्पा इसे छोड़ के भाग जाएगी। मतलब वो क्या है ना चाची, इसकी प्रॉब्लम यही है, ये जितना ढंग से रहने की कोशिश करता है उतना ही बेढंगा लगता है। कोशिश तो तू करती है अच्छे से दिखने के लिए, कभी यहाँ कुछ लगा लेगी तो कभी यहाँ कुछ लटका लेती, कभी मुंह पर बाल गिरा लेती है, बहुत दर्द उसकी आंखें दिखती नहीं है। लेकिन मैं जैसे भी रहता हूँ स्मार्ट दिखता हूँ, वो सब कहते हैं ही सो स्मार्ट, यू नो दैट्स माय प्रॉब्लम। व्हाट अ जोक। अरे ये तो फर्स्ट तुम्हारे पास है चाची। सॉरी। आ गई संजू, हम रहे या जाए? चाची बिल्कुल नहीं, खबरदार मैं चाय नहीं बनाऊंगी। किसी मेरी तरफ देखना अभी मत। ओ शिल्पा होगी, हम उसको छकाते हैं, मैं छुप जाता हूँ, कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। ओके गुड आइडिया, अब भी जाती हूँ। चलो अभी हम भी देखते हैं। ओहो संजू यहाँ नहीं। हाय रीमा। हाय। मेरा प्याला प्याला संजू है। संजू? यू मीन संजय? मतलब अपना संजू ना, वो तो नहीं है। नहीं है, नहीं है। इज ही एक्सपेक्टिंग यू? हैव यू टेकन एन अपॉइंटमेंट? मुझे क्या उस छिलका की तरह बेवकूफ समझा है? ये छिलका छिलका क्या है? छिलका छिलका इसी से पूछ लो जो छुपा है कोने में उसके डर से। ये छिलका शिल्पा है। रीमा बोलो 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 संजू कम ऑन, मुझे तो बड़ी खुश कर चाबी इंजन का डब्बे ले जाते तो देखा है, लेकिन आज डब्बा ही इंजन को ले जा रहा है, ये पहली बार देख रहा हूँ। चाची चाची ये क्या हो रहा है हमारे घर में, क्या हो रहा है? दीदी अब हमारा संजू संजू नहीं रहा, वो मोतीचूर का लड्डू हो गया, देखो ना कितनी मक्खियाँ भिन भिना रही है उस पर। अब तो उस पर फ्लिट मारना ही पड़ेगा। हाय आंटी, हाय चाची, हाय कृति, हाय चाचू। चाचू नो यस पति जी, पति जी ना। अल्लो हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी। संजू है? संजू है, है संजू, संजू है। हाँ है ना, अंदर है रूम में, तुम्हारे तो वेट करा है, अपने रूम में है, अंदर अंदर। ओके ये क्या कर दिया? आज पिटेगा, आज मेरा बच्चा पिट जाएगा बस। कौन सी वाली से, काली वाली से या नीली वाली से? अच्छा है मम्मी, अच्छा आज तो फैसला हो ही जाने दो। कैसी बुरी है तुम बहन। बाय आंटी, बाय चाची, बाय कीर्ति। शिल्पा बेटी तुम जा रही हो, तुम जा रही हो? संजू से नहीं मिलोगी? सॉरी चाची, शायद मैं गलत टाइम पर आई, शायद मुझे अभी आना नहीं चाहिए था, शायद मैं अब नहीं आया करूंगी, शायद मैं गलत थी, शायद गलत ही हूँ। अच्छा बाय। पर जाते जाते एक बात बता दूं, क्योंकि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, ये लड़की कोई अच्छी लड़की नहीं है। हाँ ऐसे ही रिच रिच लड़कों को फंसा, जाने दो अब मैं क्यों बोलूं। और एक और बात, इसको इतनी बुरी बीमारी भी है। हाँ पता नहीं अस्थमा है कि एक्जिमा है, पर कुछ तो है। बाय चाची। चाची इसकी उम्र तो देखो और इसकी जलन हसद तो देखो। शिल्पा के वास्ते मुझे ढारस बंधाओ। देखो मेरी औलाद किस रास्ते जा रही है। शिल्पा के घर के रास्ते दीदी। Ice baby, ding 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 ding
गाड़ी मम्मी। हाँ। मेरा एक काम कर दो ना। क्या क्या बात है, मेरा गार्डन इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है? मेरे लिए एक फोन कर दो ना। क्या, किसे? कमिश्नर को। क्या किया तूने? नहीं बड़ी मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पा है ना, मैं जब भी उसको फोन करता हूँ तो मेरी आवाज सुनकर फोन काट देती है। अच्छा, तो शिल्पा ने परेशान कर रखा है तुझे? क्यों? खामखा मैंने वो रीमा के साथ एक प्ले क्या कर लिया, वो समझती कि समझी समझी। तेरी शिल्पा तो बड़ी ना समझ है, छोड़ दे सर, तेरे लायक नहीं है, बाद में खुद ही पछताएगी। अरे नहीं बड़ी मम्मी, मैं जो कह रहा हूँ वो करो ना। क्या? आप उसको फोन लगा कर दो, जब वो फोन पर आ जाए तो मुझे दे दो। क्या? प्लीज बड़ी मम्मी करो ना, प्लीज प्लीज।
चल नंबर बोल। 836-2692. हेलो शिल्पा है। हेलो शिल्पा, व्हाई यू डूइंग दिस टू मी? बड़ी मम्मी आप जाओ, मुझे सुनने दे, तू क्या गलत करता बता सकूंगी। शिल्पा तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं करती? हेलो हेलो, देखिए ना फिर से रख दिया। मैं जब भी फोन करता हूँ तो ऐसा ही करती है। ये तेरी शिल्पा तो बड़ी पोजेसिव है। जो रीमा के बारे में उसके मन में शक है, उस शक को दूर कर दे तो मामला फिट। आप ही बताओ ना, मैं शक कैसे दूर करूं? तू ऐसा कर। अरे ये क्या बताएंगे तुम्हें, ये तो खुद अपने जमाने में बेहद शक्की थी। याद है तो नीलूफर जरीवाला से मैं लाइब्रेरी में बात कर रहा था तो तुमने उसके मुंह पर फाउंटेन पेन से काली स्याही छिटक दी थी। लेकिन तुम भी कम शक्की नहीं थे, तुमने भी राय को खाना खा के लिए पीट दिया था। अरे वो तो तुमने उसकी शिकायत की थी। अच्छा, बड़े फरमा बरदार थे आप तो। आपसे एक बार ये भी तो कहा था कि आप चुल्लू भर पानी में डूब लीजिए। जी हाँ, किया था, वो भी ट्राई किया था, और तभी तो ये पता चला कि ये मुहावरा कितना बेमानी है। अच्छा बेटा, क्या हुआ? चलिए गार्डन चले। कहाँ की बातें ले बैठे। संजू दादा को देखिए ना मम्मी जी, कैसे टूटा फूटा बिखरा बिखरा से पड़ा है। आप लोगों को पता नहीं, संजू इज अ फ्लॉप लवर। यानी अभी किसी भी काम का नहीं रहा? अरे तो वो पहले भी किस काम का था? बड़ी मम्मी अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अब तुम्हें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। मैं क्या करूं बड़ी मम्मी, आपने देखा ना फोन पे। तुम ऐसे करो कि अब के जम के पढ़ाई करो, क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाओ, फर्स्ट आओ, देखो कैसे खींची चली आएगी शिल्पा। क्या लॉन्ग प्रोसीजर बता रहे हो बड़ी मम्मी? हल्ले लो बड़ी मम्मी, हम उसके क्या काम आ सकते जो खुद अपने काम नहीं आ सकता। संजू का एक ही इलाज है, शिल्पा से इसकी बातचीत करवा देनी चाहिए। हाँ। संजू तो एक काम कर, शिल्पा के कमरे की खिड़की के नीचे जाकर तू गाना गा, और इतनी दर्दनाक आवाज में गाना गा कि वो पहले तो खिड़की पे आए, फिर पोर्च में, फिर मेन गेट पे, और फिर तेरे पास। क्या साहिल, आई मीन चाचू, आपको पता है मैं गाना नहीं गा सकता। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना तुम गाना गा सकते हो ना तुम पढ़ाई कर सकते हो। हाँ बड़ी मम्मी, कोई तो टैलेंट हो। तुम क्यों पीछे पड़े हो संजू के? अरे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे शिल्पा इसके पास दौड़ी दौड़ी चली आए। भाई वो अगर इससे सच्चा प्यार करती है तो दौड़ी दौड़ी आएगी, लेकिन वो रास्ता कौन सा होगा? और नहीं आई तो? आएगी, जरूर आएगी, लेकिन कैसे? बड़ी मम्मी आप ही बताओ ना। अरे तुम लोग इतनी सारी फिल्में देखते हो, इतनी सारी किताबें पढ़ते हो, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी उसमें? है ना? हाँ। जिसमें हीरोइन दौड़ी दौड़ी आती है। कैसे? उसे बस एक इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्या? 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 कि उसे इतना पता चल जाए कि उसके उसका एक्सीडेंट हो गया है। आओ आओ संजू की जान की दुश्मन। हाय हाय दुश्मन, नहीं नहीं संजू को क्या हो गया चाची, क्या हो गया उसको? अरे वाह, अब आ रही हो, अब पूछ रही हो। जब 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 उसका अभी टाइम आ गया। हाय हाय, ऐसा मत बोलो, ये सब कैसे हो गया चाची? सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। मैंने क्या किया? अरे वाह, पहले तो अपने प्यार में फंसा है और फिर शुरू कर दिया टॉर्चर करना, और वो बेचारा दिन रात उठते बैठते सोते जाते हंसते खेलते शिल्पा शिल्पा करता रहता तुम। अरे प्यार हमने भी किया था मगर ऐसा तो नहीं चाची। मुझे याद है मंगल का दिन था, मेरे सोमू ने मुझे 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 7 बार फोन किया था चाची, और मैंने उसका हर फोन कॉल अटेंड किया था, और तुम आजकल की लड़कियां पता नहीं कहां। चाची मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर तुम उसे सच्चा प्यार करती हो तो उस पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती? नहीं नहीं, मैं तो उसे भरोसे वाला ही प्यार करती हूँ। तो फिर रीमा के नाम से इतना सड़ती क्यों हो? उसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो। देखा देखा, इसी सड़ने की वजह से संजू डिस्टर्ब हो गया, सड़क पर चलते हुए ना उसे रोड दिखता है ना रोड डिवाइडर, और ओ गॉड मुझे इससे मिलने दो। नहीं नहीं
अरे रहने दो, अब सब उसे क्या मिलोगी, अब तो उसे माफ ही करो। वैसे भी उसके चेहरे पे पट्टियां बंधी है, उसके हाथ में पट्टियां बंधी है, तुम उसे देख भी नहीं सकोगी। और बात करना तो दूर, वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकता, कान पर भी पट्टी बंधी है। अब क्या मिलोगी और क्यों मिलोगी, शिल्पा घर जाओ, जाओ। हाँ हाँ छिलका, बुला नहीं शिल्पा, रहने दो, अब तो रहने ही दो। वैसे भी तो तुम संजू को कैसिनोवा समझती हो, प्लेबॉय समझती हो। नहीं नहीं, मेरा संजू तो मेरा संजू है, मुझे मालूम है। तुमने तो उसका दिल तोड़ा है ना, उसने तो अपने आप को पूरा का पूरा ही तोड़ लिया है। और याद रखो शिल्पा, दिल तोड़ना किसी का ये जिंदगी नहीं है। चाची आप वो क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहा होगा, बेचारे को इतनी चोट जो आई है, सो रहा होगा। नहीं नहीं, वो सो नहीं रहा, वो आंखें बंद करके मेरे बारे में सोच रहा होगा, मुझे मालूम है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। संजू, मेरा संजू को क्या हो गया? नहीं संजू, संजू, संजू। ओके ओके ओके, चलो कसम खाओ कि तुम उससे शक नहीं करोगी। नहीं करूंगी। फोन भी बैग नहीं करोगी? नहीं करूंगी। उससे झगड़ा भी नहीं करोगी? बोला ना नहीं करूंगी। अच्छा बाबा बस करो, ये रहा तुम्हारा संजू। संजू यू आर ऑल राइट? ऑफ कोर्स। मतलब तुम अपसेट नहीं थे? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब तुम्हें कोई टेंशन भी नहीं थी? ऑफ कोर्स नॉट। यानी कि तुम सब लोगों ने मुझे झूठ बोला? Of course. ए, तो क्यों झूठ बोल बोल के मेरी बीवी की इमेज खराब कर रहा है? तू इसके याद में रोड साइड रोमियो नहीं बन गया था? मजनू महिवाल नहीं बन गया था? दीवाना देवदास नहीं बन गया था? अपने मोटे कद्दू जैसे टांगों से फुदक फुदक इसके लिए फपा फपा के नहीं रो करता था? अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में सड़ी गली कविता लिख के घर वालों को लोगों नहीं बांटा करता था? अरे ढोलकी लाल, मूंगी लाल, देवी लाल, धरती के लाल, गुदड़ी में लाल, पहचान अपनी छिलका को, मेरा मतलब है शिल्पा को। अरे जाग दर्द इश्क जाग। संजू चाची तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। क्या समझू और कैसे समझू मैं संजू? तू कोई समझदारी की बात करेगा तो ना समझूंगी मैं। चाची मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी कोई कीमती चीज जैसे 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 मैं क्या एग्जांपल दूँ, हाँ जैसे ज्वेलरी चोरी हो जाए, अरे नहीं नहीं तुम्हारी कोई एक्सपेंसिव ड्रेस जल जाए, तेरे मुंह में कीड़े, हाँ अगर तुम्हारी नई नॉवल की स्क्रिप्ट घूम जाए, तेरे मुंह में धूल। मेरा मतलब है कि तुम्हारी कोई बहुत ही प्यारी चीज। हट बुद्धू, मेरे लिए सबसे प्यारा तो मेरा सोमू है। हाँ अब अगर तुम्हारे सोमू को कोई कोई नहीं 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 एग्जाम्पल तो फिट ही नहीं होता है ना। कहना क्या चाह रहा है चाची? इसे कहना क्या है, इसे खुद भी पता नहीं होगा। वो शट अप यार, चाची जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं कह पा रहा हूँ, और जो नहीं कहना चाहता हूँ वही कह जा रहा हूँ। एक मिनट, तू ये कहना चाह रहा है ना कि मेरी प्यारी चीज कोई बिगाड़ दे तो मैं क्या करूंगी? यही ना तूने शिल्पा की कोई प्यारी चीज बिगाड़ दी क्या? नहीं नहीं, मैंने शिल्पा की कोई चीज नहीं बिगाड़ी है, मैंने तो चाचू की भी चीज नहीं बिगाड़ी है, मैं तो ये जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा था। ऐसी जनरल नॉलेज तो पहले कभी नहीं सुना। God damn it! कौन है? हम हैं सोमू, हम हैं। सोनू किसने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया? मैंने तो नहीं। समीर क्या हुआ? आभा, विशाल, यहाँ। Yes, daddy, daddy. तुम लोग कहीं मेरी गाड़ी से खेल तो नहीं रहे थे? No, daddy. हम लोग तो यहाँ घर में खेल रहे थे। हाँ, अपनी इस गाड़ी से। कीर्ति, किसने मेरी गाड़ी को छुआ? मुझे नहीं पता, ये तो आप चाची से पूछो, चाबी तो इनके पास थी। सोनू तुम? नहीं नहीं, मुझे लगा गाड़ी तुम ले गए थे। गरीबा, गरीबा! समीर क्या हुआ? मेरे मना करने के बावजूद भी तूने कहीं मेरे गाड़ी को धोने या पोछने की कोशिश तो नहीं की? अरे बड़े साहब जी, मैं नौकरानी हूँ, खलासी थोड़ी हूँ, मैं चावल धो सकती हूँ, सब्जी धो सकती हूँ, गाड़ी थोड़ी। अच्छा चल चल, इससे तो कुछ पूछना ही फिजूल है, ये खिखी ज्यादा करती है, बात कम। नहीं नहीं, मैं समझ गया, कोई भूत या जिन आकर गाड़ी ले गया होगा, या गाड़ी ने फिर खुद सोचा होगा। मैं समीर दीवान के साथ तो बहुत दिनों तक घूम चुकी, आज अकेले घूमने जाती हूँ, यहाँ चाबी लगाई होगी और चल पड़ी होगी बाहर घूमने। अरे कोई मुझे बताएगा किसने गाड़ी को हाथ लगाया? ओफो, समीर दीवान को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे गुस्सा नहीं आएगा भाई, गुस्सा नहीं आएगा, इतनी ब्रांड न्यू गाड़ी ली थी, किसी ने तोड़ फोड़ के मेरे मत्थे मार दी। ओ समीर, हाँ। क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी को? मम्मी जी, मुझे तो लगता है मुझे अपनी ही चीजें अपने घर वालों से छिपा के रखनी पड़ेगी। अगर हुआ क्या गाड़ी को? अरे क्या हुआ, अभी देख के आ रहा हूँ, गाड़ी को किसी ने फोड़ के उसके हेडलाइट को अंधा कर दिया है। दरवाजा खोलता हूँ तो सीट बाहर आ जाता है, वाइपर चलाता तो हॉर्न बजने लगता है, और स्टीयरिंग चलाता हूँ तो बोनट उखड़ के ऊपर आ जाता है। नाउ आई ओन अ कार विद वर्टिकल बंपर्स, फॉर क्राइस्ट सेक, नाउ दिस इज टू मच, आई कांट टेक इट एनीमोर। किसने किया ये? डैडी जी, आज वही नहीं दिख रहे हैं घर में, वही होंगे। नहीं नहीं
नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वैसे हो भी सकता है, क्या पता वो ठोक पीट के खिसक लिए। ओहो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। कितने प्यार से कितने चांस में गाड़ी लेके आता, इट वाज अ ब्रांड न्यू कार, प्रीमियम भी देता 50,000। और क्या ढाल थी, क्या चाल थी, क्या बॉडी का, क्या फिगर था, क्या कलर था, क्या 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 मैं बताऊं कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ओहो संजू तू। अरे सर मैंने खास करके मना किया था कि मेरे गाड़ी को हाथ मत लगाना। अच्छा मैं तो खामखा तुम लोगों से इतनी देर से पूछ रहा हूँ, मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। इसने जिस दिन से मेरी गाड़ी देखी है ना, मुंह में लाल भर के गिद्ध के जैसे नजर गड़े बैठा उस पर। क्या जरूरत थी मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की भाई? घर में तो और भी गाड़ियां हैं, उसी को तुमने क्यों डंक मारा? तेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। एंड आई लेफ्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन द हाउस नॉट टू टच माय कार। सॉरी चाचू, सॉरी। सॉरी से क्या होता है? तूने चाचू से परमिशन ली? नो चाची से। सॉरी खुद से। तब तुझे फिर क्यों हाथ लगाया? गाड़ी को क्यों छुआ? शिल्पा को इंप्रेस करना चाहता। क्या? शिल्पा को? शिल्पा 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 मेरी तो समझ में आता नहीं उसको, उसमें ऐसे कौन से हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं? क्यों क्यों निकल गया गाड़ी? क्यों? सॉरी बड़ी मम्मी। सॉरी? अरे सॉरी से क्या होता है? सॉरी कहने से क्या गाड़ी ठीक हो जाएगी? सॉरी सॉरी कहने चले ठीक तरह उधर सॉरी के। अरे कोई सॉरी वरी नहीं, कोई सॉरी नहीं, दूर उठो, दूर उठो यहाँ से। और हाँ सुन ले, अगर तुझे अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा को मिलने जाना है ना, तो अपने वो टूटी फूटी फटफड़िया में जाकर, या ऑटो लेके जाकर, या भगवान ने तुझे ये जो मोटी मोटी कद्दू के जैसे टांगी दी ना, उसी से फुदक फुदक के जाकर। कोई जरूरत नहीं आगे से मेरी गाड़ी को हाथ लगाने के लिए। और तूने जो किया ना, इसकी तेरी किस्सा ये कि तू मुझे तुमसे बात मत किया कर चाचू। आज नहीं चाचू, चुप 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 चुप। संजू दिस इज वेरी बैड। सोमो सोमो रे, नहीं सोमो ऐसा नहीं कहते। सोमो सोमो सुनो ना। लेकिन आप लोग इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे? अभी वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला नहीं है, मिलने वाला है। पता है पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं उनके पीछे पड़ गया, इसलिए उन्हें यहाँ घर पे बुला लिया पटाने के लिए। किसे? यम यम नारायणन और यम अय्यर। क्या? एम एन नारायणन और यम अय्यर। एल एम नारायणन और एम एन अय्यर नॉर्थ एंड साउथ ट्रैवल एंड टूर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर है। वो यहाँ आ रहे हैं? चाचू अब तो माफ कर दीजिए, मैं कब से आपसे माफी मांगे जा रहा हूँ। तू तो मुझसे माफी मत कर, तू जा यहाँ से। चाचू प्लीज अब तो माफ कर दीजिए। चाचू मुझे झापड़ मारिए, मुझे झापड़ मार दीजिए, पर माफ कर दीजिए प्लीज। इतनी माफी मांग रहा है चाचू, मैं गलत हो गया चाचू। जी चाचू मैंने कह दिया मुझे नहीं बात करनी है, तो नहीं बात करनी है। नहीं बोला मैंने, जी बोला नहीं करनी, नहीं करनी मुझे। चाचू अब गलती तो इंसान से होती है ना। चाचू हिंदी समझ में नहीं आती। नहीं नहीं नो 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 दिस इज इनफ। आई हैव गिवन अ वार्ड। चाचू क्यों टीनेजर से पंगा मत लो। अरे टीनेजर से क्या, मैं हर एजर से पंगा लूंगा, मैं बूढ़ों से पंगा लूंगा, मैं बच्चों से पंगा लूंगा, मैं सबसे पंगा लूंगा। तू कौन होता मुझे बोलने वाला? मैं आई डिसाइडेड, आई डिसाइडेड। नहीं नहीं मैंने इसे कई चांस दिया भाई, लेकिन नहीं नहीं मैं इससे बात नहीं करता। नहीं नहीं प्लीज गिव मी अनदर चांस। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक टू संजय दीवान। दिस इज टू ब्लडी मच। मेरे क्लाइंट्स कभी भी आ सकते हैं, इसे खोलो। चाचू पहले कहिए आपने मुझे माफ किया? किया? इसे खोलो। की थी चाबी दे। हट, तूने चाबी मुझे थोड़ी ना दी थी। चाबी 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 तो दीपक ले गया। चाचू चाचू इसको ऐसे करते, इसे चाकू से काट देते, इसको आग से गला देते। संजू संजू नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। तूने मेरे हाथ में मेरा करियर बांध दिया है गधा। अगर उनके आने से पहले ही ये मेरी हथकड़ी नहीं खुली ना, तो वो लोग मुझे क्रिमिनल समझेंगे। अरे वो लोग आगे आगे सुनो सुनो तुम जाओ। मैं नहीं मैं नहीं 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 तुम जाओ। नमस्कार 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 नमस्कार। टॉमी यू आर ग्रेट सुपर्ब। हाथ मिलाओ। हाथ कड़ी नवाली क्रिमिनल गुंडा। चुपचाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैरों तले रहे जमीन, देख भाई देख, हा देख भाई देख, जमाना है रंगीन। रंग बदलती दुनिया में, क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, हा देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।